हाँ वही ना बेटा, देख अपना घर आखिर अपना होता है। ये है टाटा मोटर्स, 557 का प्राइस आपके सामने, बहुत ही शानदार। नैन भी बोल रहा था ये लोन वगैरह ना एकदम बहुत सस्ते हो गए आजकल। बस अभी आता ही होगा। हाँ मैं तुमको शाम को फोन करती हूँ ना। हाँ ठीक है ठीक है। आज मार्केट 400 पॉइंट गिर गया। हाँ देखा। अरे नमस्ते, कैसी हो तुम? बस अभी ठीक हो आप? बस एकदम मजे में। सॉरी आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं। बिजली का बिल कितना आया था? 2100। मोटरसाइकिल दिया है सर्विस में, पानी में डालना है और उसी टाइम में उसमें नमक कल ले लूं। मैंने कहीं पे देखा, वो YouTube चैनल पे आता रहता है ना, हां वहां पे मैंने देखा कि वो जो है ना नमक पहले डालते हैं। पापा ये ऐसे झूठे हाथों से चलना माँ यार, कितनी देर है खाने में? हाँ हाँ बेटा बस अभी आई। यस सर। हेलो नयन। हाँ सर। हाँ सर बस लंच के लिए घर आया था। डोंट वरी सर, यू विल हैव द फुल रिपोर्ट ऑन योर टेबल बाय 3:30 डेफिनेटली। यस 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 सर, यस सर, डोंट वरी। हाँ सर। ये क्या? हाँ हाँ सर, यस आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स। या यस यस बस निकल रहा हूँ। यस सर बाय। अरे खाना खा के तू जाना। नहीं माँ भागना पड़ेगा। अच्छा और सुन, वापस आते वक्त इनकी वो शुगर की दवाई लेते हुए आना। अच्छा वो गायत्री स्टोर चले जाना, मेरा नाम लोगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। हाँ ठीक है। सब्जी कैसे बनी है? यस सर टेल मी। Professional and unacceptable. Itni badi mistake. You're the last person I expected this from. Yeah. I know, sir. I'm really sorry. I don't know how this happened. If by any chance we lose this channel partner, no. Forget your bonus and appraisal for this year. So but pray sir, that it doesn't happen. चले भाई। नहीं यार तू जा, मैं बाद में आता हूँ।
अरे चल तो, मैं तेरे को एक मेरी मस्त बात बताता हूँ, तेरा सुन के मूड फ्रेश हो जाएगा। नहीं तू जाना यार, मेरा मूड नहीं, मैं बात। चल चल चल, फटाफट सिस्टम बंद कर एंड लेट्स गो। गरम है भाई। मेरा वो क्लाइंट नहीं है, खड़ूस गुप्ता, उसको मिलने गया था अभी मैं। जैसे ही पहुंचा चिल्लाने लग गया मुझ पे, मेरे को बोलता है यू डोंट केयर अबाउट माई टाइम, तुम सबके सब एक जैसे होते हो, तुम सबके सब फ्री की सैलरी के लिए काम करते हो। भाई जो सटकी है ना मेरी उस टाइम पे। सही में? हाँ बे, मैंने बोला सर सर्वेंट नहीं है आपके, तो मेरे को बोलता है हाउ डेयर यू, और तेरा भाई तो फुल भड़का हुआ। मैंने भी बोल दिया सर आपके घर नहीं आते सैलरी लेने, और जैसे ही मैंने ये बोला, एक मिनट रुक जाए, पकड़। हाँ पापा। हेलो, कहाँ है तू? ऑफिस में हूँ पापा। कब तक आ जाएगा? मेरी दवाई मत भूलना। हाँ ले आऊँगा। मेरा नाम लेना, 10% डिस्काउंट। हाँ पापा मुझे याद है, मैं ले आऊँगा। ठीक है, गायत्री स्टोर चले जाना। हाँ हाँ बोलो। हाँ भाई, तो क्या बोल रहा था मैं, खड़ूस बुढ़ा। जैसे ही इसको ये मैंने बोला, इतनी सी हो गई थी बुड्ढे की शक्ल। अरे उसने कंप्लेन कर दी तो? अबे कंप्लेन कर दी तो करने दे, मैं कौन सा उसके बाप का नौकर लगता हूँ। आई विश बुड्ढा रात को ही निकल जाए, कम से कम सुबह तक बचेगा तो नहीं मेरी जान खाने। फिर एटलीस्ट वो तेरी कंप्लेन तो नहीं कर पाएगा, है ना? अरे चल निकल, कल मिलते हैं। भैया ये टैबलेट नहीं है, कल मिलेगी। कहीं आसपास मिल जाएगी? हमारी दूसरी शॉप पे मिल जाएगी। कितना दूर है वो? बस 10 मिनट। देखना फिर से रुपेश के साथ बात करें। ऐसे अच्छा लगता है क्या? रोज रोज उसके साथ बात करते हैं। तेरे चाचा भी फोन करके बोल रहे थे कि आजकल उनके साथ जितनी बात नहीं करता उतनी बात तो पापा के साथ करता है। माँ कोई तो चाहिए ना बात करने के लिए। लेकिन कल बात करेंगे, ला दवाई दे। वहाँ नहीं मिली, कल मिलेगी। अरे तो उनके कोई और स्टोर से ले आया था? आज उनका एक ही स्टोर खुला था। दोपहर से बोल रखा था ना, कितने फ़ोन भी किए, अब डिनर से पहले लेने के लिए दवाई नहीं है मेरे पास। तुम्हें टाइम नहीं मिला तो मुझे बोल देते, मैं जाके ले आता। मुझे कैसे ये चीज़ पता होगी पापा? और आपको भी आखिरी मोमेंट पर याद आया कि आखिरी दवाई है? नहीं पहले बोला होता तो मैं जाके ले आता ना दवाई। यार बेटा आखिरी टैबलेट थी, अब डिनर के पहले क्या लेंगे पापा? मेरी गलती थोड़ी ना है माँ, पापा ने पहले बोला होता तो मैं कहीं से भी जाके ले आता। मैं जा रहा हूँ अंदर, मुझे काम है और मैं थक गया हूँ। अरे बेटा लेकिन खाना? भूख नहीं है।
अभी तक पढ़ रहे हो? पापा लाइट तो ऑन कर लो। पापा 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 आंखें खोलो। मम्मा मम्मा जल्दी बाहर आओ। पापा पापा क्या हुआ? पापा पापा मम्मा क्या हुआ बेटा? मम्मा मम्मा देखो ना पापा को क्या हो गया। पापा पापा आंखें खोलो ना। पापा 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 नयन पापा पापा नयन पापा 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 नयन 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 भाई अभी आती होगी, चल जल्दी। पापा क्या हुआ? पापा 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 क्या हुआ यार? वो कल मैं मेरे एजेड क्लाइंट की बात कर रहा था ना। शिट, कंप्लेन कर दी? क्या बोला बॉस ने? कंप्लेन नहीं यार, कल रात को उनको हार्ट अटैक आया और बहुत गिल्ट आ रहा है यार। ऐसे अचानक उनको? आई विश मैंने नहीं बोला होता यार ये सब, उनको नहीं सुनाया होता इतना सब। साला पूरा मूड खराब हो गया यार। लाइफ भी कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है ना, कितना भी कर लो कुछ भी कर लो। तूने कभी अपने बाप को हक किया क्या? क्या क्या हुआ सर? पूछे तो बोल देना कि मेडिकल इमरजेंसी है, आ रहा हूं।
मम्मी पापा कहाँ? ऊपर, कब से आराम कर रहा है। अरे लेकिन हुआ क्या? पाइप को दबाया है? अगर नहीं दबाया तो दबा के देखिएगा, जहां पर भी आप उस पाइप को दबाएंगे वहां पर आपको प्रेशर फील होगा। ये इस वजह से क्योंकि पानी बहने की कोशिश कर रहा है और आप उसका रास्ता रोक रहे हैं, तो पाइप को भी वहां मशक्कत करनी पड़ रही है कि वो अपने आप को वापस उसी साइज में लेके आए, और मोटर को भी वहां पर मशक्कत करनी पड़ रही है कि वो पानी को जैसे तैसे। क्या हुआ, कुछ भूल गए थे घर पे? नहीं, वो आपकी आपकी शुगर की दवाई लेके आया था। ठीक है, रख दो डिब्बे में। करता है और नसों के अंदर खून बहता है पूरी बॉडी के अंदर, लेकिन क्या होता है जब नसों को कहीं दबाव मिलता है, यानी कि या तो नसें सुकड़ी हो जाती है या फिर उनके अंदर कुछ डिपॉजिट जम जाता है, यानी कि कुछ फैट्स और ट्राइग्लिसराइड्स अंदर जाके नसों के अंदर जम जाते हैं और ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। पापा, हाँ? इसमें तो दवाई है। हाँ, वो सुबह फोन किया था गायत्री वालों को, तो उन्होंने बताया कि सारे स्टोर खुले हैं, तो जाकर ले आए। अब आई गए तो लंच लेकर जाना, और हम वो मेरा डिब्बा लेकर जाना।